मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैवेल्स के बारे में दोस्तों, और ये शेयर अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है दोस्तों अपने 52 वीक हाई से, और ब्रोकरेजेस इस पे बहुत ही बुलिश है दोस्तों, और आगे जाके ये कंपनी आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है और लॉन्ग टर्म ही आपको करोड़पति बना सकती है। अभी भी दोस्तों अभी भी इस कंपनी में बहुत दम बाकी है दोस्तों। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी, और ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस थैंक टू आवर फिलोसफी ऑफ मेक इन इंडिया, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। दोस्तों ये वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में पहुँच चुके हैं दोस्तों, और ये क्वालिटी प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है दोस्तों इनका, और ये इलेक्ट्रिक मूविंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है दोस्तों ये कंपनी। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इज लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी, मेकिंग इट इन इंडिया, टेकिंग इट टू द वर्ल्ड। ये इंडिया में बनाती है कुछ भी और पूरे वर्ल्ड में बेचती है दोस्तों। ये इनके बहुत सारे नेटवर्क्स हैं बड़े बड़े दोस्तों, और इनके प्रोडक्ट देख सकते हो आप, डोमेस्टिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, केबल, वायर, मोटर, फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस, होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पावर कैपेसिटर, ल्यूमिनियर्स फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है दोस्तों, और इनका लार्जेस्ट इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है दोस्तों। हैवेल्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, और ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी ये मैंने बताया आपको, स्विच गियर, केबल, वायर, मोटर, वाटर हीटर, ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट ये बनाती है दोस्तों ये कंपनी, और इनके बहुत सारे अच्छे नेटवर्क अवेलेबल है, और इनके पास बाहर के कुछ प्रेस्टिजियस ग्लोबल ब्रांड्स भी है दोस्तों, क्रैबट्री, सेल्वेनिया, कॉनकॉर्ड, लूमिनस, लिनोलाइट। दे हैव ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव टू रीच डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू हैवेल्स गैलेक्सी। तो इनके पास इन्होंने कुछ ब्रांड्स एक्वायर कर लिए दोस्तों, इनके थ्रू भी इनका भी रीच अच्छा हो जाता है, और ये ग्लोबली प्रेजेंस है दोस्तों इनका, और देख सकते हैं इनके ब्रांड कार्पट्री, स्टैंडर्ड, लिलॉयड, आरियो। तो ये बहुत सारे ब्रांड एक्वायर कर रखे हैं दोस्तों इन्होंने, और देख सकते हो इनके न्यू लॉन्च में ये फैन देख सकते हो जो भी रिमोट से ऑपरेट होता है, और कुछ अलग अलग इसमें इन्होंने इन्वेंशन किए दोस्तों, और देख सकते हो ये इनकी असेंबली लाइन है दोस्तों, और ये 60+ कंट्री में अवेलेबल है दोस्तों। अभी 60+ कंट्री में ये काम करते हैं दोस्तों, और ये इंडिया में बनाते और बाहर बेचते हैं दोस्तों, और देख सकते हो 14,000+ स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है इनके पास। तो स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है इनका दोस्तों, क्योंकि ये बनाते हैं डायरेक्ट डीलर को बेचते हैं, और डीलर अपने एंड कस्टमर को बेचते हैं दोस्तों। और देख सकते हो 35 ब्रांच ऑफिस है इनके, और 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है दोस्तों, 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट रेंज एज वाइड एज योर स्माइल, देख सकते हो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, एयर कंडीशनर, टीवी, बैटरी लाइट, बेटर लाइफ, एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन। तो ये एलईडी लाइटिंग में भी उतर चुके हैं दोस्तों, होम जो भी घर में यूज़ होने वाली लाइटिंग है उसमें ये उतर चुके, मॉड्यूलर स्विचेस वगैरह बनाते हैं। तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, और अभी हम आते हैं कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 69,767 करोड़, और ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और इसका फेस वैल्यू ये कि फ्यूचर में स्प्लिट बोनस, स्प्लिट तो नहीं बोनस दे सकती है कंपनी, और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांटती है दोस्तों। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर के पास है 59.47%, FII 24%, DII 8.25%, और पब्लिक देखिए दोस्तों 7.8%। पब्लिक के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है दोस्तों, पूरा प्रमोटर FII और DII ने ही पकड़ के रखी है होल्डिंग इस कंपनी में, क्योंकि अच्छे शेयर में देखिए दोस्तों FII DII इन्वेस्टेड रहते हैं दोस्तों, और प्रमोटर तो रहते ही रहते हैं, मगर पब्लिक उसमें नहीं रहती है दोस्तों, पब्लिक बहुत ही कम रहती है उसमें, क्योंकि पब्लिक के लिए छोड़ते भी नहीं है, और पब्लिक ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहती भी नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस 1000 के आसपास, 1000 के ऊपर महंगे शेयर रहते हैं, तो क्योंकि अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक दोस्तों महंगे ही रहते हैं। आप बस पेनी शेयर के पीछे भागते हो और प्राइस कम देखते हो और अपर सर्किट देखते हो, पर कंपनी को फंडामेंटल चेक नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट कूद जाते हो आप उसमें, पैसे लो और कूद जाओ, अगर बन गए तो बन गए, नहीं तो गए तो फिर शेयर मार्केट की तरफ आते ही नहीं दोस्तों। ऐसा मत करो दोस्तों, क्वालिटी वाले अच्छे अच्छे शेयर आप पिक करते रहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। अभी हम आते कंपनी के रेवेन्यू पे, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है दोस्तों। कंपनी ने 2021 में 10,400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और अभी 2022 में 13,900 करोड़ का, 14,000 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हो, नेट प्रॉफिट में भी जंप है कंटिन्यूअसली। 21 में इन्होंने 1,044 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, और 2022 में 1,196 करोड़ का, 12,000 करोड़ के 1,200 करोड़ के आसपास इन्होंने दोस्तों नेट प्रॉफिट जनरेट किया है इस बार।
और देख सकते हैं इस कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व भी अवेलेबल है दोस्तों। 5,939 करोड़ के रिजर्व अभी अवेलेबल है इनके पास, और 20 से देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली अपने रिजर्व भी बढ़ाती जा रही है दोस्तों। ये कंपनी 900 करोड़ से इनका रिवेन्यू बढ़ते जा रहा है दोस्तों हर साल। और इसकी पीयर्स कंपनियां देख सकते हो, इनकी पीयर्स में सीमेंस एक नंबर होल्ड कर रहा है दोस्तों। सीमेंस का मार्केट कैप आप देख सकते हो 84,000 करोड़, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। और हैवल्स है 69,000 करोड़ पे। तो अगर हैवल्स में अच्छी खासी रिकवरी होती है और ये शेयर भागता है तो ये भी जा सकता है दोस्तों एक नंबर पे। तो एक नंबर दो नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो ये कंपनियाँ अभी सीमेंस एक नंबर होल्ड कर रहा है, हैवल्स सेकंड नंबर पे, और बहुत सारी कंपनियाँ दोस्तों इनकी कॉम्पिटिटर, ईबीबी इंडिया, सीजी पावर, हिताची एनर्जी और भी बहुत सारी कंपनियाँ दोस्तों। आप सीजी पावर के साथ भी जा सकते हो क्योंकि उसका शेयर प्राइस अभी बहुत कम चल रहा है दोस्तों। तो इसके साथ भी जा सकते हो आप, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कीजिए और बाद में इन्वेस्ट कीजिए। अभी हम आते हैं कंपनी की शेयर प्राइस पे। कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों 1,113 रुपीज़ पे, और इसका 52 वीक लो है 958 रुपीज़, और 52 वीक हाई है 1,500 रुपीज़। और देख सकते हो पिछले 1 मंथ में ये शेयर 10% डाउन है दोस्तों। पिछले 6 महीने में ये शेयर 18% गिर चुका है, और 1,400 से गिर चुका है दोस्तों। और इसको वो ये 1,500 को भी क्रॉस कर चुका था दोस्तों ये शेयर। तो 25-30% तक गिरावट हो चुकी है दोस्तों इस शेयर में। और देख सकते हो पिछले 1 साल में ये शेयर जिसने भी ये शेयर 1 साल पहले खरीदा है वो अभी भी 10% के रिटर्न पे बैठा हुआ है दोस्तों। और 5 सालों में देख सकते हो इसने 5 सालों में अच्छे इतने अच्छे रिटर्न नहीं बनाए दोस्तों। 126% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए इसने। और मैक्सिमम देख सकते हो आप अभी तक 58,733% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों इसने। मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए दोस्तों इस शेयर ने आपको। तो ये शेयर ऐसे शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं। इस शेयर में अभी भी और जान बाकी है दोस्तों, और शेयर भागने वाला है आगे। तो ये शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।